सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली आज है 15 मार्च। मैंने जो प्रीवियसली एक वीडियो पोस्ट किया था, तब मैंने जो वीडियो एक्चुअली शूट किया था 24th फेब को, और 24th फेब को ही मैंने TC मोटर्स में जाके वारंटी क्लेम किया था। जो बोनेट एंड बूट पे जिधर जो पेन थोड़ा सा पील ऑफ हुआ है उसके लिए, सो उसके 2 दिन बाद ही जो था एक्चुअली वारंटी अप्रूव हो गया था जो क्लेम मैंने किया था। सो इधर टाटा का एक रूल्स है, मतलब 12 दिन के अंदर अंदर आपको गाड़ी को सबमिट करना होता है, बट एक्चुअली मैं नहीं था, सो इसके लिए हो नहीं पाया था। आज 15 मार्च है, ऑलमोस्ट नियरली 20 डेज के आसपास हो गया है वारंटी जब मैंने क्लेम किया था। नियरली 20 डेज नहीं हुआ है, सो आज मैं जाके दे रहा हूँ गाड़ी। तो उन लोगों ने बोला था जे 12 दिन के अंदर अंदर से लेके आओ, बट उस टाइम पे मैंने नहीं था। और जो टाटा मोटर्स का जो एक पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है, बट मैंने वो चीज़ नहीं लिया, क्योंकि मैंने मेरा गाड़ी मतलब किसी को देता नहीं हूँ, मतलब ऐसे वो कैसे लेके जाएगा, क्या करेगा। तो इसके लिए तो आज मैं खुद जाके गाड़ी शोरूम पे ड्रॉप करूँगा, और फिर 2-3 दिन बाद जब गाड़ी हो जाएगा तो फिर मैं ही जाके गाड़ी लूँगा। तो यही एक छोटा सा अपडेट है, मतलब 2 दिन में जो है वारंटी का जो क्लेम था वो अप्रूव हो गया था। तो आपके पास भी अगर मतलब ऐसे कोई भी चीज़ है, एक्चुअली मेरे पास 2-3 कमेंट आया था जहाँ टाटा पंच में स्पेशली जो ऐसे इशू फेस किया था, तो आप लोग प्लीज़ जाके गाड़ी एक बार शोरूम पे दिखाओ। सो आई थिंक आपका भी वारंटी जो है क्लेम अप्रूव हो जाएगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आते हैं तो। सो यही एक चीज़ है। तो आज मैं अभी जाके गाड़ी सबमिट करूँगा। इससे पहले कभी भी मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर पे छोड़ा नहीं हूँ, यही पहली बार है, और सो देखता हूँ क्या होता है। एक अभी तक के लिए छोटा सा अपडेट है, मतलब 2 दिन पे ही जो क्लेम था वो अप्रूव हो गया था। हालांकि उस टाइम पे वो लोगों ने बोला था जे क्लेम अप्रूव होने में 1 दिन भी लगता है, नहीं तो मतलब 1-2 महीने तक भी लगता है, क्योंकि उधर जो टाटा का एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जाता है, वहाँ से अप्रूव होके आता है। तो अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो 2-3 दिन में अभी अप्रूव हो सकता है, नहीं तो 1-2 महीने में भी लग सकता है। नहीं तो किसी किसी केस में अगर मतलब टाटा का जो चीज़ है वो मतलब सही नहीं लगा तो आपका जो वारंटी क्लेम है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यही चीज़, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग फॉर वारंटी क्लेम। सो या थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।